Here we go. What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus 7 की. यहाँ पर renders आ चुके हैं OnLeaks and Price Baba की तरफ से. और अगर आप इन दोनों साइट्स के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये काफी trusted साइट्स हैं और किसी भी फोन के renders जब आते हैं जब उसका डिजाइन बिल्कुल कंफर्म हो चुका हो. You serious? और जैसे कि आपको पता ही होगा सैमसंग S10 का भी पहले रेंडर्स आ चुके थे और वैसे ही हमें डिजाइन देखने के लिए मिला. ऐसे हम काफी सारे फोन्स की बात करें तो वहां पर भी रेंडर्स किसी फोन के जब भी आते हैं जब यहां पर डिजाइन बिल्कुल कंफर्म हो चुका हो. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus 7 में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ इसके लुक्स की भी बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इस फोन की मेन हाईलाइट की. यहाँ पर आपको कोई नोच देखने के लिए नहीं मिलने वाली इस बार फोन पर, क्योंकि ये होने वाली है एक फुल व्यू डिस्प्ले. और यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिलेगा. अब ये पॉपअप कैमरा पहली बार इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है. ये मिला था हमें सबसे पहले वीवो नेक्स एस के अंदर. अब कोई भी मूविंग पार्ट हो फोन के अंदर वो कुछ ना कुछ टाइम बाद तो प्रॉब्लम करता ही है. मुझे नहीं लगता OnePlus में ये देना चाहिए था यार, क्योंकि OnePlus एक काफी ट्रस्टेड ब्रांड है. तो देखते हैं कि ये कितना ड्यूरेबल होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए. तो अब बात करें यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले होगी सुपर एमोलेड पैनल के साथ 95% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो. और साथ ही साथ मैं बताऊं यहाँ पर आपको बेजल्स काफी कम देखने के लिए मिलने वाली हैं और नीचे की तरफ आपको चिन भी काफी छोटी देखने के लिए मिलेगी. तो मजा आ जाएगा. और जैसे कि हम सभी को पता है 60 में आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिला था, तो इस बार भी आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने के लिए मिलेगा. अब आप में से काफी लोग सोचेंगे कि ये अल्ट्रासोनिक होगा या होगा ऑप्टिकल, तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल सेंसर ही देखने के लिए मिलने वाला है. क्योंकि यहाँ पर यार कॉस्ट कटिंग के लिए OnePlus कुछ तो कुछ करेगा. अगर उसने अल्ट्रासोनिक डाल दिया तो कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाएगी. अब यहाँ पर सेल्फी शूटर की बात करें तो 25 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होने वाला है और फ्रंट पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की, जैसे कि हमें मिली थी 60 के अंदर. अब इस फोन की बैक की बात करें तो बैक बिल्कुल सेम है जैसे कि आपको OnePlus 6 और 60 की देखने के लिए मिली थी, ग्लॉसी यानी कि ग्लास वाली बैक. बैक पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की एंड साथ ही साथ आपको कैमरा सेटअप भी वैसे ही देखने के लिए मिलेगा. बट यहाँ पर आपके यार फिंगरप्रिंट सेंसर हटाकर इन्होंने लगा दिया है TOF कैमरा सेंसर. यहाँ पर आपको तीन कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेंगे जिसमें से कि एक कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का विद डुअल फोकस एपर्चर, जिसमें आपको मिलेगा f1.5 एंड f2.4 फोकस एपर्चर. वाओ. अब उसके नीचे चले तो यहां पर आपको दूसरा कैमरा मिलेगा 20 मेगापिक्सल का विद फोकस एपर्चर f2.6 और ये एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा होने वाला है. अब इस कैमरे के नीचे चले तो यहाँ पर आपको थर्ड कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा TOF कैमरा सेंसर. ये होगा AR के लिए. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, ये 3D मॉडल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए होगा और फोटो में डेप्थ प्रोवाइड करवाता है एंड साथ ही साथ लो लाइटिंग फोटो में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है ये सेंसर. अब इस फोन के अंदर आपको कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी, ना ही आपको 3.5mm जैक देखने के लिए मिलेगा. नीचे की तरफ चलें तो आपको स्पीकर्स दिए गए हैं एंड साथ ही साथ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. अब यहाँ पर आपको वॉप चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी इस फोन के अंदर, जैसे कि आपको OnePlus 60 McLaren एडिशन के अंदर देखने के लिए मिली थी वॉप चार्जिंग, वैसे ही यहाँ पर आपको वॉप चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी 30 वॉट की. ये काफी ज्यादा फास्ट है और ये चार्जर आपके फोन को विद इन 25 मिनट्स के अंदर करेगा 0-50% चार्ज. अब इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो काफी सारी लीक्स बताते हैं कि इस फोन के अंदर आपको 4150mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी. एंड यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, इस फोन के अंदर आपको प्रोसेसर जो मिलेगा वो होगा स्नैपड्रैगन 855, लेकिन ये फोन 5G नहीं होने वाला. Thank God for my reefer, man. This shit good. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको फोन कैसा लगा एंड आपको वीडियो कैसी लगी. और एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का. सो दैट्स इट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और गिव अवे आने वाले हैं जल्दी, दो वो काफी अच्छे गिव अवे हैं. तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं. सो दैट्स इट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था. मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में. तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें. टू वॉच योर हार्ट, विल स्टैंड इन विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस. बाय. अगर मैं हार अकल हुआ बेसहार अकल, मैं गिर के फिर से उठने को हूँ बात ये बता रहा. कल की कल का क्या भरोसा, कल को किसने परोसा, जितने भी हैं काम छूटे आज ही निपटारा. कल मैं जा रहा कल दूर परसों देखना है जग मुझे, अब मुझे दे सलाह भी सब मुझे.